केंद्र और प्रदेश सरकार भले लोगों के लिए कई योजनाएं बनाए, लेकिन उन योजनाओं का फायदा कितना पहुंच पाता है इसका भली भांति सबको पता है। लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बिजली, पानी, सड़क और नाली, ये चार सुविधाएं तो सबको हमेशा चाहिए होती है। लेकिन झीलों की नगरी उदयपुर की कई कॉलोनियों में आज भी पीने का पानी को लोग तरस रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी योजना मेगा आवास योजना के कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों की, जहां पिछले 6 दिन पीने का पानी सप्लाई नहीं हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र के सभी के चक्कर काट कर थक गए, जिसके चलते आज क्षेत्रवासी आज आक्रोशित हो गए और एक जगह एकत्रित होकर अपनी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग उठाने लगे। आक्रोशित जनता ने टंकी के पास टायर में आग लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है, साथ ही जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। अब यहां लोगों की पीड़ा सुनकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा कि कोई कैसे 6 दिन तक पीने का पानी के बिना रह सकता है। मेगा आवास योजना में रहने वाले लोगों की पीड़ा एक बार जलताए और जिला कलेक्टर साहब भी सुनिए क्या कह रहे हैं। ये लोग आपसे पीने का पानी ही मांग रहे हैं जो पिछले 6 दिन से आया नहीं है। क्या होता है सर, क्या समस्या है? समस्या भैया, यहाँ से जब से ये अपने सरकार ने बनवाया है मेगा आवास योजना, तब से निरंतर यहाँ पानी की समस्या चल रही है और अभी भी पिछले 6 दिनों से लोगों के पास घरों में पानी नहीं है पीने के लिए, ना नहाने के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा खरीद खरीद करके लोग बेचारे जो है पानी पीने वाला उपलब्ध कर रहे हैं, लेकिन अब नहाने की, बर्तन धोने की 6-6 दिन से पानी नहीं है यहाँ पर। और टंकी में पानी होते हुए भी सरकार का ये रवैया है, अभी हमने जो है बात भी की, लेकिन उसका क्या बोला, कल मिलेगा पानी। अगर उसी अधिकारी के घर में पानी नहीं हो तो उसका क्या होगा? उसके घर में बीवी बच्चे रहते हैं और इन लोगों के भी, जितने लोग महिलाएं खड़ी हैं बेचारी, इनके घरों में 6 दिन से पानी नहीं है। और ये किल्लत आज से नहीं, फूल सिंह मीणा जी भी आए, बहुत कुछ यहाँ नेता नगरी भी हुई, लेकिन 4 साल से राजस्थान सरकार ने मेगा आवास योजना को, राजस्थान सरकार के विधानसभा में सबसे बड़ी योजना है ये राजस्थान की, उसके साथ इन्होंने ये व्यवहार करके रोडों की देख लीजिए आप, पानी की प्रथम समस्या है, रोडों को भी छोड़ दो लेकिन पानी नहीं है पीने के लिए। यहाँ बिल्कुल बहुत बड़ी किल्लत है, टंकी में पानी है, टंकी भरी हुई है लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा है। किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, पालीवाल जी से बात हुई अपनी, उन्होंने बोला कि आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा 8 बजे पानी, और फोन काट दिया। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा अभी? पानी मेरे यहाँ पर 6 दिन से पानी, 6-6 दिन में टर्न था, आज चलाएंगे 6 दिन के बाद, दूसरे ई वालों को 6 दिन बाद देंगे, एम वालों को 6 दिन बाद देंगे, एल वालों को 6 दिन बाद देंगे, 6 दिन आज मेरे पूरे हो रहे हैं मेरे ब्लॉक के अंदर, एल के अंदर, लेकिन आज क्या जवाब मिल रहा है? आज भी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, ये हालत है। मीरा नगर में जो पंप हाउस बना रखा है 2020 के अंदर 2,76,00,000 रुपए के अंदर मेगा आवास में पानी की सप्लाई देने के लिए बनाया गया है, वहाँ पर 6 ट्यूबवेल खोदे गए हैं, जबकि वहाँ पे 2 ट्यूबवेल से सप्लाई दी जा रही है और वहाँ पर जो बंदा रख रखा है वो रात को 10 बजे आता है, ड्रिंक करके आता है और एक टैंक भरता है और सप्लाई करके चला जाता है, सुबह वापस उसकी दूसरी जगह नौकरी है वहाँ करने के लिए, ऐसा कंटिन्यू चल रहा है। अगर मेगावाट के अंदर पानी देना हो तो वहाँ पे सुबह से लगा के शाम तक अगर कंटिन्यू 2 ट्यूबवेल चले ना तो 3 घंटे के अंदर वहाँ स्टोरेज टैंक भरता है, तो 8 स्टोरेज टैंक यहाँ खाली हो सकते हैं, तो 1 दिन के अंदर छोड़ के हमारे को पानी की सप्लाई हो सकती है। लेकिन वहाँ का प्रशासन और वहाँ के जो कर्मचारी है वो बिल्कुल निठल्ले हैं, किसी तरह की सुनते नहीं है, बस जब यहाँ आ जाएगा पानी आ जाएगा। आज एन मैडम से बात हुई, यामिनी मैडम से, उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई हम शाम तक पानी दे देंगे, यहाँ पर स्टोरेज टैंक दोनों भरे हुए पड़े, इसका वीडियो देखो, भरे हुए पड़े हैं, जबकि स्टोरेज टैंक से पानी उन्होंने ऊपर टंकी में नहीं भराया। और जब मैंने ये बात ग्रुप में रखी तो यहाँ के कर्मचारी मेरे को धमकी दे रहे हैं कि आप चाबी ले जाओ और आप ही काम चालू कर दो, अभी चलाओ पानी पूरा। तो मैडम से मैं पूछता हूँ, ऐसे कर्मचारियों को जल्दी जल्दी बर्खास्त करें, इसकी जगह नए कर्मचारी रखें ताकि हमारे पानी की समस्या सॉल्व हो जाए और पानी की सुचारू रूप से चलता रहे। अगर एक्शन नहीं ले रहे तो हम कलेक्टर के पास जाएंगे, वहाँ धरना देंगे और वहीं पे रहेंगे, उन्हीं को पानी का सब करना पड़ेगा, नहीं तो हम खाली करके यहाँ से जा रहे हैं। पानी हमारे पास खाली कर सकते हैं, बहुत पैसा पड़ा इनके पास, उनको पानी ढोलने नहीं जाते, हम लोग खाली करके जाएंगे, छोड़ो साफ तो खाली करके जाएं, पानी वगैरह क्या कर सकते हैं, बाहर ले दो पानी, दो इतना परेशान कर रहा है हमको, इतना परेशान करता है, लेकिन पानी नहीं देते, 8 दिन
तो नहीं रहते हम लोग, गरीब इसलिए अपने यहाँ रह रहे हैं, तो बाहर रहते बड़ी सोसाइटी में रहते, पानी लेते हम होता है चार बाल्टी पानी से क्या हजार दे सकते हैं हम लोग। टैंकर की क्या रेट है अभी पानी की? टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं है, टैंकर को भी हाथ जोड़ जोड़ के बुलाते तब भी नहीं आते। 800 रुपए का 700, 800 रुपए दे सकते हैं हम लोग? 800 रुपए कहाँ से लाए हम गरीब लोग? गरीब इसलिए रह रहे नहीं हम आके, उनको नहीं दे रहे थे मकान, हमको टंकी भरी ऊपर जाके देखो परेशान कर परेशान कर रहे हमको पानी वाले, हमको क्या चाहिए बोलते हैं हम गाड़ी ले जाए, सबको पानी दे रहे, हमारा पानी की ओर जा रहा है, हमारा पानी दूसरी जगह क्यों जा रहा है? अगर हमारे पानी की बदमस्ती को हम बात कलेक्टर को धरना देंगे, कल हम बात धरना देंगे इसी समय, हम कलेक्टर जाएंगे, हमारे इधर का पानी हमारे उधर नहीं चाहिए, और दूसरे का पानी हमारे उधर नहीं जाए, परेशान करने पानी के लिए पानी दे रहे हो? हाँ। पानी चाहिए, 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 टैंक देखो अंदर से आधे से ऊपर भरा हुआ टंकी, ये और दोनों टैंक भरा हुआ है, दोनों कॉमन है। बात ये है कि वहाँ पे छेद था ना, आधे से ऊपर कहने मतलब ये टंकी पूरी भरा जाएगा इस पानी से। बात ये है कि वहाँ पे छेद था टंकी में, पानी जैसे फुल होगा तो वो निकल जाएगा उससे, इसी कारण वो पानी नहीं भर रहा है। अब वो टैंकर बेचे पूरा गेट बंद करवा रहे हैं क्या? अर्जेंट कोई कॉल लेने वाले, पानी नहीं देख सकते कितना पानी, आधी टंकी ऊपर पानी भरा हुआ है, पांच लीटर पानी खाली है ये, और टंकी होके पानी होते हुए भी पानी नहीं दे रहे, पानी होते हुए पानी नहीं मिल रहा हमको। आप टंकी देख, वीडियो देखिए टंकी में पानी कितना रंग के टैंकर डाले थे।